NIVH यानी राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून की कार्यशाला में दृष्टिहीनों के काम आने वाली विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ब्रेल रूलर में सेल बने होते हैं। हर एक सेल में 6 खांचे होते हैं। स्टाइलस की मदद से दाएं से बाएं की ओर दबाते हैं और पढ़ते वक्त पन्ने को उलटकर बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाता है। श्री जे एल कॉल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड एशियन ब्लाइंड यूनियन। ब्रेल शॉर्ट हैंड मशीन है, इसमें भी 6 कीज होती हैं क्योंकि 6 डॉट्स पर ही हमारी ब्रेल सिस्टम निर्भर करती है। और ये इस्तेमाल करते हैं ब्रेल जो स्टेनोग्राफर्स ब्लाइंड ट्रेंड किए जाते हैं वो डिक्टेशन लेने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कार्यक्रम निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे। महोदय, दक्षिणी भारत के अग्रणी जिला प्रबंधकों के लिए ये ब्रेल टाइपराइटर है। जैसे आम लोगों के लिए टाइपराइटर होता है वैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें दृष्टिबाधित लोग जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल आइटम है। मित्रों, जब हम प्रकार पर पहुंच जाते हैं तो इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक अंतर्गत पर्यवेक्षण, जिसे हम इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं, और दूसरा बाह्य पर्यवेक्षण या एक्सटर्नल सुपरविजन, जिसे इंग्लिश में हम इंस्पेक्शन भी नॉर्मली जानते हैं। हमें जानना है दूसरे तरह से पर्यवेक्षण के क्या प्रकार होते हैं। पर्यवेक्षणकर्ता रिपोर्ट में यह भी लिखेगा कि शिक्षिका को चाहिए कि वह वक्त पर आए। ये एक मिनी कंप्यूटर है और इसमें ब्रेल में भी लिखा जाता है और जो भी कुछ इसमें लिखा जाएगा 6 की सिस्टम से ही उसको हम कंप्यूटर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर में जो कुछ भी मटेरियल आया हुआ हो उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें हमें कंप्यूटर की सारी कीज सीखने की, सारी कमांड सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे ब्रेल नोट कहते हैं। नाउ आई हैव टू शो यू हाउ आई वर्क ऑन दिस कंप्यूटर। ये है मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली, लड़कियों का एक जाना माना कॉलेज। कुमारी चंदा सागर या हिंदी की प्रोफेसर जो दृष्टिहीन है, ये हमारे सामाजिक उत्थान की अच्छी मिसाल है। मैं तब की कल्पना करके ही कांप उठती हूँ जब ब्रेल लिपि नहीं होगा, नहीं होता, नहीं थी, क्योंकि कल्पना इसलिए मैं करती हूँ कि ब्रेल जब नहीं थी तो वो कैसे, तब तो स्कूल भी नहीं था और पढ़ने लिखने की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। पर ब्रेल लिपि के आने के बाद इस लिपि ने हमारे सभी जो द्वार बंद थे उन बंद दरवाजों को हम लोगों के लिए खोल दिया है। ठीक है, अर्थालंकार जो अर्थ पर, जिसका सौंदर्य अर्थ पर आधारित होता है, और उभयालंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सिलेबस में आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक या अनेक व्यंजनों की एक ही क्रम से आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, इसमें चौ वर्ण की, दूसरा कर दें। ब्रेल लिपि के सभी भारतीय भाषाओं में आने के बाद से इसमें छपी पुस्तकों की मांग बढ़ गई। आधुनिक तकनीकी आने से किताबों पर आने वाली लागत कम होने लगी। अब इस तरह की पुस्तकों की बड़े पैमाने पर छपाई की जा रही है। ब्रेल लिपि में पहली पुस्तक 1827 में प्रकाशित हुई, मगर 1852 में ब्रेल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद उनकी इस अनोखी लिपि को दुनिया ने अपनाया। 1952 में लुई ब्रेल की मृत्यु की 100वीं पुण्यतिथि पर उनके देश ने
उन्हें उच्चतम गौरव से सम्मानित किया। उनके शव को पेरिस लाकर पैंथियन में पुनः दफनाया गया, जहां देश की महान विभूतियों और महानायकों को दफनाकर सम्मानित किया जाता है। ब्रेल का प्रभाव मनोरंजन के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। उंगलियों के स्पर्श मात्र से शतरंज जैसे जटिल खेल को भी वे बड़ी लगन और निपुणता से खेल लेते हैं। श्री एस के रोंगटा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये ऐसे दृष्टिहीन वकील हैं जो केवल विकलांगों के ही केसेस लड़ा करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल मुंबई में संगीत के शिक्षक श्री प्रकाश, संगीत की पढ़ाई भी ब्रेल लिपि के माध्यम से की जाती है। आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर ने सभी का काम आसान कर दिया है। कई भारतीय भाषाओं का कंप्यूटर के द्वारा ब्रेल लिपि में रूपांतरण किया जा सकता है। जन्म से बहरा और 7 वर्ष की उम्र से दृष्टिहीन प्रदीप सिन्हा। प्रदीप सिन्हा हेलेन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफ ब्लाइंड मुंबई में काफी व्यस्त व्यक्ति हैं। वे पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। वे न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, फिर भी अपनी बात आसानी से कर सकते हैं। वे हर दिन घर से अपने काम पर लगभग 40 किलोमीटर अकेले आते जाते हैं। नेशनल केविन केयर मास्टरी अवार्ड 2003 प्रदीप सिन्हा को दिया गया। ये पुरस्कार ऐसे विकलांगों को दिया जाता है जिन्होंने विकलांगता पर विजय प्राप्त कर ली हो और जिसका योगदान समाज में सराहनीय हो
उपयोगी हो। हम में से कौन पूर्ण है? हम अपूर्णता का एहसास लेकर ही जीवन जीते हैं। वास्तव में जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है।